बताना चाहता हूँ, आपको अपने दिल में बिठा के बताना चाहता हूँ, आपको अपना भाई समझ के बताना चाहता हूँ कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के कारण, संवैधानिक व्यवस्थाओं के कारण संविधान कहता है कि आप जहाँ हैं आज भी सुनी जाएगी, कल सुनी जाएगी, परसों सुनी जाएगी। हम लोग बार बार ये समझते रहे कि भाई आज हमारी बात नहीं सुनी गई है तो कल सुनी जाएगी, कल नहीं सुनी गई या परसों सुनी जाएगी। जब आचार संहिता, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र सुना जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, माननीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा, प्रदेश अध्यक्ष जी का पत्र लिखा। पांच साल बाद क्यों जागे हैं अभी तक के? क्या आईडी सही करो। अरे प्रभु, आपके पैरों में प्रणाम करके यही तो बताना चाह रहा हूँ, अलग करो किनारे, यही तो बताना चाह रहा हूँ कि संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं। हमें मालूम था कि अंतिम दिन तक ये काम कर सकते हैं, जब हमें पता चल गया कि अब ये काम नहीं करेंगे तो किधर बैठेंगे, किधर बैठेंगे भी जा करके। इतने सारे जो लोग हो गया, चलिए रोल आपको बताना चाहूँगा, बेरोजगारों का हित हो, 23 करोड़ उत्तर प्रदेश के देशवासियों का हित हो, वहाँ रहना चाहिए। सब कुछ हावी रहा, केवल अपना पेट।